दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि पजल नंबर 29 आपके स्क्रीन पे आ चुका है और यहां पर आपको चार घड़ी दिख रहे हैं। चार में से तीन घड़ी में कुछ जो है टाइम हो रहा है और आपको चौथे घड़ी में बताना है कि कौन सा टाइम होगा। तो जैसा कि रूल है, आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है और अगर इस टाइम में आप सॉल्व कर लेते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर लिखें। तो चलिए अब आपका समय स्टार्ट होता है। दोस्तों अगर आपने इसे सॉल्व कर लिया है तो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर लिखते चलें। तो चलिए दोस्तों अब आपका समय समाप्त होता है। आई होप कि आपने इस पजल को सॉल्व कर लिया होगा, पर अगर किसी कारण से आप इस पजल को नहीं सॉल्व कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, अब मैं आपके लिए सॉल्व करने वाला हूं। तो यहां पर आप जैसे देख रहे होंगे, पहले घड़ी में 1:54 हो रहा है, दूसरे घड़ी में 2:49 हो रहा है, तीसरे घड़ी में 4:44 हो रहा है, तो चौथे घड़ी में क्या होगा। तो यहां पर अगर आप देखें आवर में, तो यहां पर 1 है और फिर यहां पर 2 है, इसका मतलब यहां +1 हो रहा है, फिर यहां पर 2 है, यहां पर 4 है, इसका मतलब यहां पर +2 हो रहा है। तो अगर इस सीक्वेंस को देखें तो 1+2, तो अगर इस सीक्वेंस को देखें तो +1+2, तो यहां पर क्या होना चाहिए, +3 होना चाहिए, तो इस हिसाब से क्या आना चाहिए, 7, मतलब आवर में क्या आना चाहिए, 7। अब दूसरा क्या है, 54 के बाद यहां पर क्या है, 49, इसका मतलब -5 हो रहा है। उसी तरह 49-5 अगर आप करेंगे तो 44 होगा, उसी तरह 44 में अगर आप -5 करेंगे तो यहां पर 39 होगा। तो इस तरह से जो आपका आंसर होगा वो होगा 7:39। तो इस तरह से आपको इस पजल को सॉल्व करना था। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पजल देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं पजल नंबर 30 जो है वो आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर भी चार घड़ी दिए हुए हैं। अब इन चारों घड़ी में से तीन घड़ी में जो है टाइम है, पर चौथे घड़ी में टाइम नहीं है। अब आपको बताना है कि इस चौथे घड़ी में क्या टाइम होगा। जैसा कि रूल है, आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर लिखिएगा। तो चलिए अब आपका समय शुरू होता है। दोस्तों अगर आपने इसे सॉल्व कर लिया है तो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर लिखते चलें। तो चलिए दोस्तों अब आपका समय समाप्त होता है। आई होप कि आपने इस पजल को सॉल्व कर लिया होगा, पर अगर किसी कारण से आप इस पजल को सॉल्व नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, अब मैं आपके लिए सॉल्व करने वाला हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं 3:15 हो रहा है, यहां पर 4:24 हो रहा है, यहां पर 5:35 हो रहा है, तो यहां पर क्या होगा। अगर यहां पर आवर और मिनट के बीच में रिलेशन देखें तो यहां पर 3:05 4:06 5:07 इसका मतलब यहां पर भी जो है आवर को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट आना चाहिए, पर आवर यहां पर क्या है, 3 है, यहां पर 4 है, यहां पर 5 है, तो यहां पर आवर में क्या आएगा, 6, ठीक है। क्योंकि यहां पर 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है या 6 से हो रहा है या 7 से हो रहा है, तो यहां पर 8 से होना चाहिए, तो 6:08 तो यहां पर जो आंसर होना चाहिए वो 6:48, तो 6:48। तो इस तरह से इन पजल्स को आपको सॉल्व करना था। तो चलिए दोस्तों आई होप कि आपने इस पजल को काफी इंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।